नमस्कार। हम व्यास मगध सम्राट सुदर्शन यादव, सभी श्रोता के प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। आज अपन कंपनी सम्राट म्यूजिक वर्ल्ड के तहत रोसो के बड़ी ही शुद्ध प्रसंग छठ के परोस रहल बैनी। आखिर छठ व्रत हमने के यहां कब से शुरुआत भइल बा? आखिर छठ व्रत एक कार्तिक मास से सबसे पहले के कैले, काहे ल कैले? जौना के प्रचलन आज यूपी बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मनावल जा रहा है। दोस्तों याद रख, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये प्रसंग सुन के आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कि रुसो प्यार दुलार देव, नमस्कार। अध्यात्म के अनुसार शंभु मुनि के एगो पुत्र रहले जेकर नाम रहले प्रिय व्रत। कुछ दिन उ लड़का जवान भइले, लोग कहे बच्चा बबुआ ब्याह रचा लो, परिवार बढ़े लगी। लेकिन उ लड़का के भक्ति में मन लाग रहे, कहले कि माया के जंजाल में हम ना ना। तो लड़का प्रिय व्रत रहले शंभु मुनि के, सत्य शिष्टाचार सदविचार सुन श्रोता, जप योग तप कैले भाव कैले प्यारी, बाकी नारी से तनिको न प्यार सुन श्रोता। लोग कहले कि बबुआ ब्याह कर लो, ना मनले बहुत लोग लागल। एक दिन ब्रह्माया के कहले कि बबुआ ब्याह कर लो, परिवार बढ़े लगी, सुख चैन से राउर जिंदगी बीते लगी। वही लय आ गई मास्टर हो कि गोरे बहिया में आर गोदा नवारे गोदवाल ननदिया, हिंद नाम लिखवाल ननदिया। लड़का प्रियव्रत के ओकरा लागल रे मनवा रहले उ करतार में, ओकरा लागल हो मनवा रहले उ करतार में, आयासा के दरकार में। उनका लागल रे मनवा रहले हो करतार में, आ सके दरकार में। एक दिन कहले ब्रह्मायाई बबुआ लन ब्याह रचाई, सुख में बीती समैया सकल संघ परिवार में, आयासा के दरकार में। सुख में बीती समैया सकल संघ परिवार में, आशा के दरकार में। प्रयास कैला के बाद आखिर उ लड़का अंत में शादी कैले एक मालनी नाम के लड़की से। कुछ दिन दोनों प्रेम विहार कैले, धीरे धीरे उम्र बढ़े लागल, उम्र बढ़े लागल,
कुछ दिन बीत गए बाकी कहूं पुत्र ना भइले ना। एक दिन प्रियव्रत के धर्म पत्नी कहिए बलमुआ लाल के मतलब कतना होला होला, एगो रंग लाल होले होले, एगो भूषण के लाल कहल जाला हाँ, एगो गोदी में लाल होला आय हाय हाय। जब गोदी में लाल ना होला तो कुल हम लाल फीका परियाल। धर्म पत्नी मालिनी के देखी कैसन आशा का भामे कहते कतर बल मुया को लड़का होते तो गोदी में खेलती मोहर लुटती बांझ बांझिन के नाम बुतती मास्टर एगो बबुआर होइत तो गोदिया में, एगो बबुआ होइत गोदिया में खेलती राजा दे प्रिय वर्त पूछत अरे कि आखिर बोलब बबुआ होते तो का कर तू पहले जिया राजा पंजुड़ी ए मुहम्मी चुमा ले के मुनावा के ए मुहम्मी चुमा ले के मुनावा के खे लेती राजा दी हलवा पूरी के बनवैती अरे मोहर खूब लुटैती तो सोहर अगने में सुदर्शन से कहले जे भगवान जाहे विधि रखत रे तो ना विधि रहे के चाही हाँ। ओ हो। लेकिन देखी धर्म पत्नी के आशा पूरा खुश रखे खाती एगो संत महात्मा के बुला के ऋषि महर्षि बुला के जग के आयोजन भइल बा। आ जब जग के आयोजन करवैले तो भगवान की कृपा भइल कुछ दिन के बाद वो रानी के देह भारी हो गई देह भारी हो गई देह पियराई लगी कहे के भाव आ गई कि कुछ दिन बीती रह गईले आर भाग के लकिरिया हो रहा पियर रे भैली कुछ दिन बीती रह गईले
भाग के लोकिरिया हो राम पियर रे भैली रानी के सुनवा संदेहिया पियर रे भैली रानी के सुनवा यही संदेहिया हो राम पियर रे भैली खुशी के लहर घर में छिटाए लागल राजा सोचले प्रिय व्रत की छला हो आखिर कुल में तो दिया अब हमनी के जली लेकिन समय के अभागा देख ली समय केहू के न छोड़लस बाबूजी आखिर समय सतवलस समय के अनुसार रानी के मालनी के गो पुत्र पैदा भइले लेकिन उ पुत्र मरल भइल राजा जब है बात के सुन ले झरझर आंख से आंसू बहा के उन लड़का के लेके श्मशान की ओर चल दिले कहे के भाव लागल मास्टर राजा जी झावा नवा अरे भैले राम आहो झर झनवा हेलौ नवा अरे झर झर घाट यशमशाना बैल लड़का ना होना बड़ी दुख लड़का ना भइल बहुत दुख बा लेकिन लड़का भइल तो मरल भइल ओसे बड़ी दुख झर झर परब से विधाता कौन दिन देखे ला जिंदा कोई ली रहा जहर जहर पहरे नरे नवा तरत जी झापा नवा भोईल हो राजा उस मसान में जाके गढ़ा खाद के लड़का को दफनाना चाहते हैं अचानक घटना घट जाता है बाबूजी क्या है जहां एगो देवी दर्शन
अचानक उस श्मशान में आवाज आता है, राजा रुक जा। कौन हो तुम? कौन हो? यहां आ जा, तभी तो रसनमा तज हटाऊ साक्षात देवी प्रकट हो गई। कले राजा रुक जा। राजा कले के कौन हो तुम? कौन हो? बोली बोली मधुर रे बचाना राजा पूछले कौन हो तुम? कौन हो? कल के हम देव सेना, मेरे पिताजी ने मुझे कार्तिक जी से विवाह की। हम देव सेना के नाम से जाने जाते हैं। तू मेरे लड़का मरा हुआ पो, तुम क्यों आई है? क्यों? कल की राजा, मुझे लोग खष्टी भी कहते हैं। हम अपनी प्रताप से इस बच्ची को जिंदा कर रहे हैं और मैं इसका नाम धरूंगा और तुम अपना राजधानी में ले जाओ राजा। हाँ। और कार्तिक खष्टी के दिन मेरा पूरा प्रजा में ढूंढोनी पिटवा करके मेरा व्रत करो। करो। मेरा व्रत करने से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन। हाँ। कोढ़ी को काया। हाँ। निर्धन को माया। हाँ। मेरा प्रेम से उपासना जो करेगा, मुझे खष्टी का जो व्रत करेगा, उसका सारा समस्या हल हो जाएगा, सारा सत्ता पूर्ण हो जाएगा राजा। अब बताएं, जेकर लड़का मर रहे उकर जी गई, ओह बाप मतारी के करे जा कितना खुशी होगी। हाय हाय हाय। लड़का के ले जाके प्रिय व्रत, उन लड़का के नाम रख ले सुब्रत। अब सुब्रत के ले जा करके राजा रानी खुशी मनौले पूरा नगर में। कार्तिक खष्टी के पहले ढूंढोनी पिटवा करके छठ व्रत के आयोजन हाला मचवा के राजा कोइले। हाँ। जाई जाई के ब्राहिल घूम घूम के कहे लगले, बबुआ का कले रहो? अरे बुचिया, ए तारा घर में गाय लगेला? हाँ। तनी गाय के दूध ले आई है। ले आई है। राजा के ऑर्डर बा खष्टी के व्रत हो रहल बा, वह घड़ी के गीत निकल। घूम घूम के ब्राही लोग सारा सामान के इकट्ठा कैले, आ छठ व्रत वही कार्तिक मास से शुरू भइल। कैसे तनि देखब आगे बढ़कर मास्टर? कैसे खतरे बबुआ? कैसे कियारा छोटी मूटी छोटी मूटी अरे मालिन रे बिटिया भूनिया मां लुट रे के।
अरे बच्चा अपना बाबू के कही दिए राजा के दरबार में छठ व्रत के आयोजन बा। प्रिय व्रत के पूरा ऐलान करके प्रजा सहित छठ व्रत शुरू करते रहे। पूछिया कहते तो का करे के बा फुलावाले हो घर गाय लगे ला लगेला। अच्छा अच्छा तरी दूध ले आई है छोटी रिमोट छोटी रिमोट एक वाली न बिटिया भुईयावा लुट रहे परिक आज तक चलल आवता जौन राजा प्रियव्रत अपना पुत्र के जिंदा भैला में पूरा प्रजा में डुगडुगी पिटवा के खष्टी माई के व्रत साधना करोले रहले। आर छोटी मोटी डोमी नबीतिया भुईयावा लुटरे हर जात ब्यादरी में से राजा और समान इकट्ठा करवाइले डोम के घर से कुम्हैन के घर से मालिन के घर से जादो जी के घर से आ सब समान इकट्ठा करके छठ व्रत के शुरुआत राजा प्रिय व्रत शुरू कैले। आज देख ली छठ व्रत के प्रचलन
पूरा भारत के लोग जे जहां बा छठी मैया के व्रत शुरू कैले बा बाबू। आर छोटी मोटी कुम्हाई न बेटिया भैया लुटेरे के सारा सामान इकट्ठा करके राजा प्रिय व्रत छठी मैया के व्रत के शुरुआत कैले आ वही दिन से छठ व्रत के प्रचलन हमारा देश में शुरू हो गई बा। सबके मनोकामना पूर्ण होके लागल, धनहीन के धन मिले लागल, पुत्रहीन के पुत्र मिले लागल, बलहीन के बल मिले लागल, कोढ़ी के काया मिले लागल। छठ व्रत अगम अपार महिमा छठी मैया कह ऐसे बोले के प्रेम से छठी मैया की जय। नमस्कार, फिर मिलेंगे श्रोता बंधु।